नमस्कार, अर्थ मैटर्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो हम सबसे ताल्लुक रखती है, वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा। दिल्ली में हर रोज़ 9000 टन से भी ज़्यादा कचरा पैदा होता है, लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा कि इस कचरे का आखिर होता क्या है? ज़्यादातर कचरा हमारे घरों से ही पैदा होता है, और ये कचरा इतना हो गया है कि इसका निपटान आज एक बड़ी समस्या बन गई है। इस कचरे का निपटान बेहद लापरवाही से किया जाता है, इससे बीमारियां भी पैदा होती हैं और गंदगी भी। तेज़ी से बढ़ती आबादी के कारण यह समस्या आज चिंताजनक हो गई है। आज के अर्थ मैटर्स के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इस बढ़ते कचरे के पहाड़ और उनसे पैदा होती समस्याएं और बीमारियां। करीब 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर इंसान पैदा हुआ। वो मुख्य रूप से शिकारी और अपना आहार इकट्ठा करने वाला जीव था, जो मौसमों के साथ साथ एक से दूसरी जगह आता जाता रहता था। सिर्फ 10,000 साल पहले ही इंसान ने खेती शुरू की। मानव के इतिहास में ये एक प्रमुख मोड़ था। इससे एक नई जीवन शैली उभरी। हमने समूहों में रहना शुरू किया। हड़प्पा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शुरुआती और सबसे विशाल ज्ञात शहरी सभ्यता है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान हड़प्पा अपने आर्थिक विस्तार और शहरी विकास के चरम पर पहुंची। बढ़ते हुए शहरों से गंदे पानी की सही निकासी सुनिश्चित करने के लिए यहां सबसे विकसित ड्रेनेज प्रणालियों में से एक मौजूद थी। इन नालियों के जरिए सारा गंदा पानी शहर से बाहर बह जाता था। अलबत्ता हड़प्पा के लोगों को लगता था कि यह समस्या आगे चलकर गंभीर हो सकती है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये जल्दी ही एक बड़ी समस्या बनती गई। 18वीं सदी के खात्मे तक औद्योगिक क्रांति ने बड़े स्तर पर उत्पादन वाले दौर की शुरुआत की। उसी के साथ ठोस कचरे की भारी मात्रा नजर आने लगी। उपभोक्ता वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। लोगों की खरीदने की शक्ति भी बढ़ गई, जिसके नतीजे में इन चीजों की भारी मांग पैदा हो गई। लोगों ने चिंताजनक स्तर तक इन चीजों को खरीदना, इन्हें इस्तेमाल करना और फिर फेंक देना शुरू किया, जिससे ठोस कचरे की तादाद बढ़ गई। बीसवीं सदी की शुरुआत में प्लास्टिक के आविष्कार से यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्लास्टिक को इस्तेमाल करना आसान है, इसकी उम्र ज्यादा है, इसका वजन कम है, ये जल रोधी है और सस्ती तथा डिस्पोजेबल भी है। इस तरह ये आधुनिक जीवन शैली वाली डिस्पोजेबल एरा की जरूरतों के मुताबिक बिल्कुल सही है। प्लास्टिक को इंसान की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जाता है, लेकिन आज यही कमाल की उपलब्धि प्रदूषण की एक मुख्य वजह बन गई है। बिना योजनाकारी के तेज शहरीकरण और हमारी आबादी में हुई बढ़ोतरी से यह समस्या और बढ़ गई है, और अब इंसान का सामना वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे के निपटान के मुद्दे से है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में रोजाना 25 से 30 लाख टन ठोस कचरा पैदा होता है, और ये मात्रा बढ़ती ही जाएगी। ज्यादातर विकसित देशों में रोजाना प्रति व्यक्ति 3 से 5 किलो कचरा पैदा होता है, और ये देश सबसे ज्यादा ठोस कचरा पैदा करते हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर देशों ने कचरे के निपटान संबंधी नीतियां भी बना ली हैं, जिनसे उन्हें कचरे की बढ़ती समस्या से जूझने में मदद मिलती है। बेशक भारत जैसे विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति कम कचरा पैदा होता है, लेकिन वक्त के साथ ये मात्रा बढ़ेगी। जैसे जैसे भारत पश्चिम की तरह प्रगति करता जाएगा और यहां शहरीकरण बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे पैदा होने वाले कचरे की मात्रा भी बढ़ेगी। तेजी से होता शहरीकरण, तीव्र गति से बदलती जीवन शैली और लोगों के बीच जागरूकता की कमी इस समस्या के मुख्य कारण हैं। कचरे से बच पाना मुश्किल है और हम सभी रोजाना कचरा पैदा करते हैं, लेकिन अंतर है तो केवल कचरे के निपटान के तरीके। भारत में हर दिन लगभग 1,30,000 टन कचरा पैदा होता है। अंदाजों के मुताबिक अगर यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो अगले 5 दशक में मौजूदा दर के हिसाब से पैदा होने वाले कचरे की मात्रा में 5 गुना वृद्धि हो जाएगी, जिससे इसकी निपटान संबंधी बहुत बड़ी चुनौती पैदा होगी। कचरे की मात्रा बढ़ती जा रही है और इसके निपटान की सही विधि मौजूद नहीं है, जिसके कारण पर्यावरण संबंधी संकट पैदा हो रहा है। भारत में एक व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान 10 टन से भी ज्यादा कचरा पैदा करता है, यानी कूड़े के 10 ट्रकों के बराबर या कूड़े का 100 फुट ऊंचा ढेर। अनुमानों के अनुसार भारत में पैदा होने वाले कुल कचरे का 50% हिस्सा जैविक होता है, जिससे कंपोस्ट बनाई जा सकती है, और 30% हिस्सा रिसाइकल किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। पैदा होने वाले कचरे को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा और बायोमेडिकल कचरा। अध्ययनों से पता चला है कि हमारा करीब 70% ठोस कचरा हमारे घरों तथा कारोबारी और व्यावसायिक केंद्रों से निकलता है, 25% कचरा उद्योगों से और 5% से भी कम कचरा अस्पतालों और अन्य मेडिकल संस्थानों से निकलता है। इसमें म्युनिसिपल कचरे का काफी हिस्सा होता है। रोज की गतिविधियों के कारण पैदा होने वाला ज्यादातर कचरा नगर पालिका के कूड़े दानों और शहर या रिहायशी इलाकों के आसपास के ढलाव पर जमा कर दिया जाता है। इस कचरे में ज्यादातर बचा हुआ खाना और सब्जियां होती हैं, जो जैविक श्रेणी में आती हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इसमें कई चीजें अजैविक भी होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पुर्जे वगैरह, जो पर्यावरण के प्रति खतरनाक होते हैं। 95% ऑफ हमारे देश में 95% इलेक्ट्रॉनिक कचरा असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता ही संभालते हैं। एसिड बाथ में से खतरनाक जहरीली फ्यूम निकलती है, जिसका उन लोगों पर सांस लेने की प्रणाली, उनकी किडनी, लिवर, फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है, और ये असर सिर्फ उन तक नहीं लेकिन अगली पीढ़ी तक भी पहुंच जाता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ने से इसके कारण पैदा होने वाला कचरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे पर्यावरण के सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। हम प्लास्टिक की थैलियों को लापरवाही से फेंक देते हैं, जिससे नालियां रुक जाती हैं और ड्रेनेज प्रणाली प्रभावित होती है। बरसात के मौसम में खास तौर पर हमारे शहरों और कस्बों में नाले नालियों का ओवरफ्लो करना एक आम बात हो गई है। कचरे को आमतौर से लैंडफिल में डाल दिया जाता है और इंसानी बस्तियों से बाहर मौजूद इस जगह को महत्वहीन समझा जाता है। लेकिन अब बढ़ते शहरीकरण के कारण ये लैंडफिल हमारे शहरों और कस्बों की सरहद में ही आ गए हैं। ये इलाके मक्खियों, मच्छरों, पक्षियों, चूहों और दूसरे बैक्टीरिया के पनपने वाली जगह बन गई हैं, जिससे इन लैंडफिल्स के आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया में कचरे से निपटने के लिए बहुत सी वैज्ञानिक विधियां अपनाई जा रही हैं, लेकिन हमारी ज्यादातर लैंडफिल्स में इन चीजों की कमी है। ये लैंडफिल हमारे यहाँ प्रदूषण की एक बड़ी वजह बन गए हैं। हमारे ज्यादातर शहरों में ये समस्या आम है। दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ आबादी तेजी से बढ़ रही है, हालात और भी ज्यादा खतरनाक हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जहाँ शहर में 1994-95 में सिर्फ 4,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता था, वहीं 2002 में ये लगभग दोगुना होकर 7,500 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। ऐसी आशंका है कि अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो सन 2020 तक ये मात्रा बढ़कर
23,000 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। लेकिन दिल्ली की 3 मौजूदा लैंडफिल्स फिलहाल भरने वाली हैं। कचरे के लगातार बढ़ते जाने से अब इनमें और जगह नहीं बची है। गंदगी और बदबू तो लैंडफिल से जुड़ी बहुत मामूली समस्याएं हैं। हमारी ज्यादातर लैंडफिल्स में तली में ऐसी सामग्री नहीं लगाई जाती जिसमें से कुछ भी रिस्क कर नीचे न जा सके। इसलिए कैडमियम, क्रोमियम, लेड और मर्क्यूरी जैसी विषैली धातुएं और सल्फेट तथा नाइट्रेट जैसे प्रदूषक तत्व और कचरे में मौजूद विषैले पदार्थ घुलकर मिट्टी में पहुंच जाते हैं और हमारे भूमिगत जल भंडारों और नदियों को संदूषित करते हैं। ये संदूषित पानी फिर हमारे घरों तक पहुंच जाता है। इस संदूषित पानी को पीने से पानी से होने वाली कई बीमारियां और पेट से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। All the waste at the landfills also when it landfill में कचरा सड़ता रहता है। इसमें से बहुत खतरनाक गैस निकलती है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं और हमारे माहौल को गंदा करती हैं, क्योंकि वहाँ पे मच्छर, मक्खी, चूहे सब अपना घर बना लेते हैं। कचरे की वजह से पैदा होने वाली इस समस्या की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। भारत में पैदा होने वाला 50% से भी ज्यादा कचरा जैविक है जिससे कंपोस्ट बनाई जा सकती है और 30% कचरा रिसाइकल किया जा सकता है। कचरे के निपटान की दिशा में पहला कदम हमारे अपने घर से ही उठना चाहिए। हम कचरे को उसकी श्रेणियों के मुताबिक अलग अलग कर सकते हैं। कचरे को अलग अलग करने से न सिर्फ कचरे की तादाद घटाने में मदद मिलेगी बल्कि इस कचरे को विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों में भी लाया जा सकता है। आज बहुत से संगठन और लोग इन तरीकों को अपनाकर न सिर्फ कम कचरा पैदा कर रहे हैं बल्कि वो कचरे की छटाई और उसके दोबारा इस्तेमाल के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी मदद कर रहे हैं। डेली डंप बेंगलुरु स्थित एक संगठन है जिसे पूनम वीर कस्तूरी के नेतृत्व वाले एक समूह ने शुरू किया था। ये संगठन इस कोशिश की ही एक मिसाल है। यहाँ इन लोगों ने कचरे की छटाई को एक आदत बना लिया है। ये लोग हमारे घरों से निकलने वाले जैविक कचरे को कंपोस्टिंग के अपने खास तरीके के जरिए उर्वरक खाद में बदल देते हैं। अन्य पारंपरिक तरीकों के विपरीत ये लोग मुख्य रूप से हमारी रसोइयों से निकलने वाले जैविक कचरे को सड़ाने के लिए 3 मंजिला खंभे इस्तेमाल करते हैं। इस कचरे में सब्जियां और बचा हुआ भोजन होता है। खंबे के हर लेवल पर अलग अलग चरणों में सड़ता हुआ कचरा होता है और इसे हर 3 दिन में एक छड़ी की मदद से हिलाया जाता है। इससे कचरे में ऑक्सीजन दाखिल हो जाती है और कंपोस्ट की बदबू घट जाती है। खंबे के आखिरी चरण में स्थानांतरित करने के बाद पोषक तत्वों से भरपूर इस कंपोस्ट को यहां से निकालकर खेतों और बागों में खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसा शुरू करें जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करे। इसलिए हमने यह कार्य शुरू की है जिससे पहले हमें साफ और स्वच्छ वातावरण मिलता है। दूसरा, ये मेरे उर्वरकों पर होने वाले खर्चों पर नियंत्रण करता है। कचरे के निपटान के सिलसिले में कामयाब सामुदायिक प्रयासों की एक मिसाल राजधानी में भी नजर आ रही है। राजधानी के कुछ हिस्सों में लोग कचरे को अलग करने और रिसाइकल करने के काम को सही ढंग से अंजाम दे रहे हैं। ये लोग अपने इलाकों को कचरे से मुक्त क्षेत्र बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। आज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कचरा इकट्ठा करने वालों के नेटवर्क्स के जरिए और अपने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके इससे खुद ही कार्यकुशल तरीके से निपट रही है। कॉलोनी में कई कंपोस्टिंग पिट्स भी हैं जहां जैविक कचरे को सड़ने के लिए दबा दिया जाता है। इन पिट्स से निकलने वाली गंध और बदबू को नियंत्रित करने के लिए जैविक ईएम घोल का छिड़काव किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम वेस्ट से नहीं ढक जाएं, प्लास्टिक हमारी पूरी दुनिया को कवर नहीं कर ले, हमारी ग्रीनरी मर ना जाए, हमारे जानवर प्लास्टिक से मर ना जाएं,
तो हमको कुछ करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे और पॉलिसी लेवल पे. व्हाट डू वी प्रोड्यूस एवरी डे, वो उसको कम करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, वो रीयूजेबल होगा और वो रिसाइकलेबल होगा. एक अंदाजे के मुताबिक राजधानी में मौजूद लगभग 1,00,000 कचरा चुनने वाले कुल कचरे का करीब 12-15% हिस्सा इकट्ठा करते हैं और इस तरह नगर पालिकाओं के काम को काफी आसान बना देते हैं. ये लोग बहुत सा विषैला कचरा इकट्ठा करते हैं और अपनी सेहत को भी खतरे में डाल देते हैं, लेकिन जीरो गार्बेज जैसी परियोजनाओं के कारण इस प्रक्रिया में इनकी भी अहम हिस्सेदारी हो जाती है. अब राजधानी में और भी बहुत सी रिहायशी कॉलोनियां इसी तर्ज पर काम करने की कोशिश कर रही हैं. कचरा वेस्ट पृथ्वी पर इंसान की गतिविधियों का एक नतीजा है और इससे बचा नहीं जा सकता. अब देखिए, प्रकृति अपने सभी बाई प्रोडक्ट्स, अपने सभी उपजात को रिसाइकल कर देती है, जिससे आखिर में कोई भी कचरा नहीं बचता. किसी एक जीव के लिए जो चीज़ बेकार होती है वो दूसरे के काम आ जाती है. कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो कचरा पैदा करता है वो किसी के काम नहीं आता. अब दक्षिण कोरिया की ही मिसाल लें, अपने लैंडफिल या वेस्ट डंप को उन्होंने एक पावर स्टेशन के तौर पर तब्दील कर दिया है. वहाँ से गैस निकाली जा रही है, वहाँ पर एक इको पार्क भी है और दुनिया में वेस्ट मैनेजमेंट का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है वो. आइए नज़र डालते हैं इस समस्या के एक ऐसे हल को जो मुमकिन भी है और पर्यावरण को स्वच्छ भी रखता है और प्रकृति के अनुकूल भी है. और आपने कभी भी नहीं ये सोचा होगा कि कचरा भी इतना उपयोगी हो सकता है, तो आइए देखते हैं नज़दीकी से. अगर कचरे की पूरी संभावनाओं का लाभ उठाया जाए तो इससे पैसा कमाया जा सकता है. कुछ देशों में एक अनूठी प्रणाली का इस्तेमाल करके एक नियंत्रित लैंडफिल को एक खूबसूरत बाग में बदल दिया गया है और सड़ते कचरे से निकलने वाली मीथेन का फायदा उठाकर इससे बिजली भी बनाई जा रही है. इसकी सबसे बढ़िया मिसाल है दक्षिण कोरिया, जहां दुनिया का सबसे बड़ा लैंडफिल मौजूद है. दुनिया के सबसे बड़े लैंडफिल और कचरा जमा करने वाले स्थान पर कोई दुर्गंध नहीं है. इसे वैज्ञानिक ढंग से चलाया जाता है और इस जगह से जो मीथेन गैस निकलती है उससे 50 मेगावाट बिजली मिलती है, जिससे हर साल लगभग 2,70,00,000 डॉलर की कमाई होती है. यह है मीथेन गैस का पावर जनरेशन प्लांट और हर साल कूड़े करकट से जो गैस निकलती है उसको बेचकर $25 मिलियन ये गार्बेज सेंटर कमाता है. 25,000 से ज्यादा घरों को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है. हर सुबह कचरे से भरे हजारों ट्रक उस कूड़े को यहाँ छोड़ने आते हैं जो प्लास्टिक की थैलियों में सील किया हुआ होता है. कई तरह की विंड मशीनें बदबू और कीटाणु दूर करने वाले रसायन छिड़कती हैं ताकि बदबू और बैक्टीरिया की बढ़वार को खत्म किया जा सके. पर्यावरण के प्रति अनुकूल ये प्लास्टिक 60 दिन के अंदर सड़ जाती है. इस कचरे पर अलग अलग सतहों पर मिट्टी की परत बिछाई जाती है. कचरे में लगे विशाल पाइप मीथेन को इकट्ठा करके सेंट्रल पावर स्टेशन तक ले जाते हैं, जहां गैस को बिजली में बदला जाता है. When the garbage is thrown up, it goes through the first vegetation layer. गार्बेज या कूड़ा करकट जब यहां फेंका जाता है तो जो भी उसमें पानी होता है वो नीचे की तरफ सरक जाता है. नीचे कुछ पाइप इस पानी को खींचकर डिटॉक्सिफाइड यूनिट में रसायन निकालते हैं और अन्य पोल्यूशन को उनसे अलग करते हैं. स्वच्छ जल इसके बाद तालाब में लाया जाता है, जिसे स्टिलिंग पॉन्ड्स कहते हैं, और यहाँ ये कई उपयोग में लाया जाता है. यहाँ बतखें भी पाली जाती हैं, फल फूल भी लगाए जाते हैं, और जब पानी अधिक मात्रा में हो जाता है तो नदियों में छोड़ दिया जाता है. कूड़ा करकट मीथेन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं और ये मीथेन गैस इन पाइप्स के द्वारा ऊपर उठती है और इलेक्ट्रोड रीजनरेशन यूनिट तक पहुंचती है. ये रीजनरेशन प्लांट यहाँ बिजली बनाता है और लोगों के घरों तक पहुंचाता है. ये एक मिसाल है कि किस प्रकार
हम कूड़े से बिजली भी बना सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं और इसे स्वच्छ जल भी निकाल सकते हैं। वाटर इज नॉट टॉक्सिक एंड देन इट्स रिलीज्ड इनटू द ओशन। यहाँ इसका इस्तेमाल बागों में तथा पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए किया जाता है। जब लैंडफिल वाली जगह भर जाती है तो इस पर बढ़िया मिट्टी की परत बिछा दी जाती है और ये शहर के लोगों के लिए पिकनिक की एक जगह बन जाती है। ये एक ऐसी शानदार मिसाल है जिसको अपनाकर कचरे को एक फायदेमंद चीज में बदला जा सकता है। पर्यावरण और आर्थिक रूप से वहनीय ऐसे उपायों से भारत जैसे देश की बड़ी मदद हो सकती है जहां इतना ज्यादा कचरा पैदा होता है। अब सिर्फ इस बात से ही काम नहीं चलेगा कि लोग अपने घरों और कॉलोनियों को साफ करके कचरा दूर फेंक दें। हाल तक तो ऐसा ही किया जाता था, लेकिन अब लोगों को अपने घर पर ही कचरे को घटाना भी चाहिए और उसे छांटना भी चाहिए। हमें खतरनाक और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी प्राकृतिक रूप से सड़ने के अयोग्य कचरे को अलग अलग रखना चाहिए और इसे रिसाइकलिंग इकाइयों को दे देना चाहिए। कचरे के प्रबंधन से जुड़ी वहनीय नीति में इस काम से जुड़े सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। इन वर्गों में रिसाइकलिंग करने वाले, कचरा उठाने वाले और आम लोग शामिल हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है आज। इसके लापरवाह निपटान से हमारी जिंदगियां प्रभावित हो रही। हम में से हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि हम सब कचरा पैदा करते हैं, लेकिन इसका सही तौर पर निपटान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक, बैटरीज या शीशों को लापरवाही से ना फेंकें। ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और पर्यावरण के लिए घातक हैं। कचरे की मात्रा घटाएं, प्लास्टिक थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें। कचरे को अलग अलग छांट कर उसका निपटान करें, यही सबसे प्रभावी हल है। आइए अपने शहरों को, कस्बों को और गांव को प्रदूषण से बचाएं और साफ रखें। ये प्रयास हम सब मिलकर कर सकते हैं। और अब एक बार फिर समय आ गया है हमारे साप्ताहिक क्विज का। पिछली बार हमने आपसे पूछा था हिमाचल प्रदेश के किस नेशनल पार्क को हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, और सही जवाब है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इस हफ्ते के विजेता हैं शिवानी सैनी पंजाब, वासुधा शर्मा नई दिल्ली, शिवानी सासमल ओडिशा, मोलिशा हिमाचल प्रदेश, शिवम गुप्ता राजस्थान और भागीरथ लोरा हिसार। पहले पांच विजेताओं को अर्थ मैटर्स की तरफ से मिलेगा एक टी शर्ट और एक स्पेशल सर्टिफिकेट, और 10 विजेताओं को मिलेगा फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ का सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के पृथ्वी मित्र विजेता आर्चित ज्योति रमय झारखंड, राकेश कुमार पंजाब, रिचा शर्मा नई दिल्ली, विजेता कुमारी गुप्ता बिहार, प्रशांत विश्वकर्मा उत्तराखंड, सस्मिता शर्मा ओडिशा, सोनिका शर्मा राजस्थान, कालूराम चौहान हरियाणा, रश्मिका भंडारी तेलंगाना और सुरभि गुप्ता मध्य प्रदेश। और अब ध्यान से सुने हमारे इस हफ्ते का सवाल। भारत का कौन सा ऐसा प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है जो काले हिरणों के लिए जाना जाता है, यानी ब्लैक बक के लिए जाना जाता है? विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स ब्लैक बक पॉपुलेशन? अपने अपने सही जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें लिख भेजिए। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, पोस्ट बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी नोट करें ddearthmatters@gmail.com। आज का हमारा प्रोग्राम बस यहीं तक। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे को लेकर, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।